देखिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ ना कि आप लोगों को जो भी बताया जाए ना वो ऐसी चीज बताई जाए जो मुझ पे एप्लीकेबल हो। अगर मान लीजिए कि वो मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है तो आपके लिए काम करेगा नहीं। और बाजार के बारे में जहां तक मैंने सीखा है, कैपिटल मार्केट के बारे में, अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात हो, आप कितनी भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लीजिए, कितने भी, मुझे नहीं लगता कि बाजार आपको पैसा देगा। क्योंकि अगर बुक्स पढ़ने से पैसा बनता तो जितनी भी इस प्रोफेशन है आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीईओ और डॉक्टर, एडवोकेट भी, ऑफकोर्स उनसे ज्यादा बुक्स तो कोई नहीं पढ़ता हो। और सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं, उनके पास है तो नुकसान भी वही करते हैं। आखिर इतनी दूर से लोग आते हैं, शायद अब मेरा मानना है कि आप मेरे पास इतनी दूर से आए हो और आने के बाद भी यहाँ काम ना करे तो फिर क्या फायदा वैसे नॉलेज, है ना। तो काम तो करना ही चाहिए, और अगर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ तो ऑफकोर्स वो काम करेगा, ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इन्हीं चीजों पे दो ढाई घंटे आपके साथ जुड़ेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों में से जो आए हैं, अगर आप लोगों में कोई हाउस वाइफ है घर में है और आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने आप को बिजी भी रखें, ठीक है, या वर्किंग वुमेन है उसके साथ एक साइड से बिजी रखें और हमारी कुछ इनकम भी हो, तो आपके लिए काफी अच्छी फील्ड, काफी अच्छी, इससे अच्छी फील्ड हो ही नहीं सकती। ना ही आपको कोई ऑफिस खोलनी है, ना ही आपको कोई स्टाफ का टेंशन है, ना ही आपके ऊपर कोई बॉस है, ना ही आपको कब दुकान खोलनी है, कब बंद करनी, कोई बोलने वाला है, आपकी इच्छा अनुसार है, ठीक है। आप अपने पूरे लाइफ को इसमें दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को घूमते फिरते हुए काम कर सकते हैं।
साइज की पकड़ना है, नोन और अननोन के बीच में, थोड़ा सा छोटे साइज का, चलो 1000 करोड़ से ऊपर की हो लेकिन नोन अननोन के बीच में बहुत सारी कंपनियां हैं। अच्छा आप ये बताओ इफिनियम कन्विक्शन कहाँ से आती है? कैंडल देख के ना, तो बस इसमें भी जब आपको कैंडल देख के जो कोई और बना रहा है उसके बनाने का आपको कन्विक्शन आ जाती है, तो आपको यहाँ तो बास्केट में कन्विक्शन आनी चाहिए ना। एक बार इसको समझ तो लीजिए जो मैं हेल बता रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैथमेटिक्स से इसको आकलन कीजिए कि क्या वैसे ही हो सकता है, सारी परिस्थितियों को देखना है और आपको सिर्फ इसकी निगेटिव साइड देखनी है जब मैं बताऊंगा, क्योंकि एज ए टीचर मैं तो इसकी पॉजिटिव साइड बता ही रहा हूँ, मैं निगेटिव बताऊंगा, बट आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम इसमें निगेटिव क्या हो सकता है, 200 कहाँ कहाँ है और किस कंडीशन में कितना हो सकती है, आप हर एक उस परिस्थिति को डालने का प्रयास करें। हम यहाँ पे रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो बनाने का तरीका क्या है कि हम फरवरी के 1 लॉट ऑप्शन को खरीदेंगे और जनवरी के 2 लॉट ऑप्शन को हम लोग सेल कर देंगे।